हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यार। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग है, स्टार्ट हो रहा है दिन के 2:30 बजे से। एक हमारे गांव के बगल में एक गांव है शिकारू, वहां पे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाते हैं आपको उस ब्लॉग में कि इस ब्लॉग में क्या क्या होता है और क्या क्या हम लोग आज करेंगे दिन भर। तो चलो बने रहे ब्लॉग पर। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं गाँव से काफ़ी ऊपर, और गांव आपको मैं दिखाऊंगा यहां से भाई कि गांव आप लोग देख सकते हो। गांव में नीचे आप लोग देख सकते हो, ये है भाई गांव। हम लोग इस रास्ते से आए भी और अभी हमको जाना है काफ़ी ऊपर। तो मामा और तो आगे जा रहे हैं, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में पीछे पीछे छूट रहा हूं हर बार। तो भाई चलता हूँ आगे। तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं बगीचों से थोड़ा ऊपर, और आप लोग देख सकते हो भाई रास्ता कितना खतरनाक है, कितना भयानक है भाई। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, इस रास्ते में भाई बगेरे और जो जंगली भालू है उनका बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा डर रहता है इस वाले रास्तों में, क्योंकि जोंकें भी होती है। जो पहाड़ी जो जोंकें होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे, तो जोंकों का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। चलो बेसुनार चलते रहते ऊपर बैठे साथ में। तो दोनों थक गए भाई बहुत ज्यादा। मामा लागे जोक तो भाई भाई तो ये है वो जंगली जोक जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई बरसात में इस जोक का भाई बहुत ज्यादा डर है, यही मेरे पैर में लग गए हो। और जिस गांव हम लोग जाने वाले हैं ना, उस गांव में रोड नहीं है, पहली बात ये। तब हम लोग पैदल जा रहे हैं, रोड होती तो बाइक से जाते हैं। देसी खीरा मतलब टेस्ट बड़ा होता है, खा के ये चीज है भाई, पता नहीं क्या चीज है, मामा तो इसे खा रहे। तो भाई मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमें जाना कहाँ पे है और अभी हम लोग कहाँ पे हैं। हमें जाना है भाई ठीक ऊपर, वो जो पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे, और ये कुछ बगीचे हैं भाई, सेब के बगीचे हैं, आप लोग पार्क देख सकते हो। और जो भाई गांव है ना, गांव आप देख सकते हो गांव के नीचे। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि हम लोग गांव से कितने दूर आ गए। आप देख सकते हो भाई गांव दिख रहा है। तो और एक चीज़ भाई, और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे परसों बादल फटा था, जो मैंने एक ब्लॉग में डाला था पिछले पहले वाला, वो भी यहाँ से दिख रहा है भाई। जो जहाँ पे बादल फटा था वो देख लो, गांव हमारा यहाँ पे है, और जहाँ पे बादल फटा था वो भाई वो गांव देख लो आप पीछे, अभी भी वहाँ पे पूरा मलबा दिख रहा है पीछे भाई, वो यहाँ पे है। और क्लियर जूम में क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत दूर है। तो भाई अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी चलना है हम लोगों को। मामा और देख सकते हो कहाँ पहुँच गए ऊपर। आज तो यार बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतनी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। मामा और तो चढ़ते रहते हैं क्योंकि गांव में ही रहते हैं। वैसे 3 महीने से मैं तो गांव में ही हूँ, गांव में ही काम हो रहा है, बट इतना चलना नहीं हुआ 3 महीने से। तो भाई आज जो है काफ़ी थकान महसूस हो रही है। ये भाई सेब के बगीचे, हाँ। और इधर देखो भाई चिड़िया भगाने के लिए माइक लगा रखा है बगीचे में। भाई हम पहुंच चुके हैं एक छानी के पास, यहाँ पे एक दुकान है, थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ सामान मिलता है तो लेते हैं कुछ। और भाई चेक करो, तो भाई ये व्यू चेक करें चारों तरफ। मामा और खा रहे हैं सेब, और भाई यहाँ देख सकते हो भाई ये है पूरा सेब का प्लांट इस साइड भी, और पीछे में जहाँ भी दिखा था वहाँ भी। पंकज जो बगीचे को यार उबा देख सकते हो भाई कितना गजब व्यू है यार। उस दुकान के पास हमें कुछ सामान मिलाने कुछ खास तो लाया नहीं कुछ वहाँ से, तो वहाँ से हम लोग कैसे आ गए थे। तो यार क्या हुआ, ये आगे गाइड करने वाला जहाँ मिल जाएगा। वो ये चेक करें भाई एप्पल वैली,
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में, गांव के आले साइड ही है अभी तो फिलहाल। तो भाई यहां से कुछ व्यू है गांव का, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, पीछे पेड़ों के पीछे आप लोगों को गांव दिख रहा होगा। और ये है गांव की जो है, गांव का जो रास्ता है यही कच्चा रास्ता है। और ये गांव भाई हमारे इधर का लास्ट गांव है ये वाला, और यहाँ अभी तक रोड नहीं आई। आप लोग देख ही सकते हो कि हम लोग कितना दूर से पैदल आए हैं अभी। तो यार ये व्यू है कुछ गांव का, और भाई पार हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। जूम करके इतना क्लियर तो दिखेगा नहीं, बट तो थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे जाना है हमको, वहाँ पे है, वहाँ पे वो मेला हो रहा है। और व्यू तो आप देख ही सकते हो भाई। और अभी आपको ना ढोल की आवाज़ आ रही होगी, अभी पूजा का टाइम है और अभी पूजा हो रही है शायद, हाँ शायद 3:30 टाइम हो रहा है, तो अभी पूजा हो रही है इसलिए अभी ढोल बज रहा है। और यार 10 साल बाद इस गांव में आए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मामा और जा रहे हैं आगे की तरफ, मामा तो दूसरी बार आ रहे हैं इस बार, पिछली बार आए थे 2 साल पहले और फिर इस बार आए थे, आ रहे हैं मतलब इस बार। और यार व्यू चेक करें भाई, यार चलो चलते हैं पार और दिखाते हैं आपको कि कुछ क्या हो रहा है गांव में। वैसे मेला तो आपने हमारे गांव में देख ही लिया, वैसा ही होता है, बट हम लोगों का यहाँ आना हुआ इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, गांव कैसा है। तो बने रहे ब्लॉक पर। गांव में आते ही हम लोगों को दिख गई करुणा महाराज जी की पालकी, जो कि पूजा के जस्ट बाद ही नचाने के लिए उठाई है लोगों ने। इसके बाद अभी क्या होगा, किसे नचाएंगे और साथ साथ तो फिर जो लोग हैं वो डांस करेंगे। तो यही खत्म करता हूँ, तो मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।